हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी गुरु जी में आपका स्वागत है। मैं हूँ अर्चना और आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, जिसके लिए मैंने 1.5 kg गाजर लिया है। इसको वॉश करके पील किया हुआ है और कद्दूकस किया हुआ है। और इसके लिए 1 लीटर मिल्क लिया है, 1/2 kg खोया लिया है, इसको मैंने घर में बनाया हुआ है, 750 ग्राम शुगर लिया है, 2 टेबलस्पून घी लिया है, 25 ग्राम काजू लिया है, 25 ग्राम किशमिश लिया है और 25 ग्राम बादाम लिया है। इसको मैंने क्रश किया हुआ है और थोड़ा छोटा काटा हुआ है और 15 से 20 इलायची लिया है। इसको कूट के, इसका बारीक कूट लिया है मैंने। इसको आप चाहें तो भगोने या कढ़ाई में किसी में भी बना सकते हैं। मैं इसको आज भगोने में बना रही हूँ। एक भगोने में सबसे पहले कैरेट डालेंगे, जो मैंने कद्दूकस किया हुआ है। अब इसमें शुगर डालेंगे। गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। चीनी डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम लगभग 10 से 15 मिनट पकाएंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे ताकि जो गाजर है नीचे से जले नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगभग 15 मिनट हो गई है और इसका जो गाजर और जो चीनी डाली थी, जो इसका जो पानी था, वो सब जल गया है। अब इसमें दूध ऐड करेंगे। इसमें मैं 1 लीटर मिल्क डालूंगी। और इसको अब हम तब तक पकाना है जब तक कि इसका जो एकदम ये जो मिल्क है वो एकदम जल जाए और बिल्कुल भी पानी ना रहे। इसको लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। दूध को बाद में इसलिए डालेंगे, अगर दूध को चीनी और जो गाजर है साथ में डालेंगे तो दूध फट जाएगा। और इसलिए मैंने जो चीनी है और जो गाजर का पानी है वो एकदम जल गया है, उसके बाद ही दूध ऐड किया है। अब ये दूध फटेगा नहीं और ये अच्छे से पकेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, गाजर का हलवा अभी थोड़ा पक गया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा पानी है, इसको हम थोड़ा और जलाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, गाजर का हलवा एकदम पक चुका है। इसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी, दूध भी नहीं रहा है, एकदम अच्छे से सब पक गया है और मिक्स हो गया है। अगर इसमें थोड़ा भी पानी रहेगा तो खाने पे किचकिचाएगा, पानी अलग जाएगा और मतलब टेस्टी भी नहीं लगेगा। अब इसमें हम घी ऐड करेंगे। घी डालकर मिक्स करेंगे। घी मिक्स करने के बाद इसमें हम खोया डालेंगे और मिक्स करेंगे। खोए को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें कलर भी अच्छा आ गया एकदम और खोया भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, बादाम डालेंगे, किशमिश डालेंगे, काजू डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हमारा गाजर का हलवा तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बना है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छे लग रहा आया है। इसको हम किसी भी स्पेशल ओकेजन है उस पर बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। और इसको घर में बनाया है इसलिए हेल्दी भी है। मार्केट में सब मिलावट आता है बहुत ज़्यादा, इसको इसके लिए मैंने इसमें जो भी डाला है वो सब घर का ही है। खोया भी जो घर में ही बनाया था, इसलिए मार्केट का कुछ भी यूज़ नहीं किया, इसलिए बहुत ही हेल्दी है। और
और टेस्टी भी है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।